गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में। हम इसमें बात करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्लास 9 तक हम जब पढ़ते हैं तो हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में सारी चीज़ जानकारी रहती है। क्लास 10th पहली बार ऐसा होता है जब हम केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो पढ़ेंगे ही, इस चैप्टर के कंटेंट क्या क्या हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलना होना चाहिए कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, वहाँ हम ये दो एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देंगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आएंगे, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं जो हमें पढ़ने हैं, और इन सारे रिएक्शंस को अगर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। आइए हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो कहते हैं प्रोसेस बाय विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, यानी कुछ ऐसा तरीका जिससे पुराना वाला बॉन्ड टूट जाए और नया वाला बॉन्ड बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए बी का रिएक्शन सी डी से कराया जा रहा है तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है और सी और डी के बीच में बॉन्ड है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद में पता चला कि ए सी हो गया और बी डी हो गया। इसका मतलब ए और बी के बीच वाला बॉन्ड टूटा होगा, सी और डी के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, यानी ओल्ड बॉन्ड जो पहले का बॉन्ड था वो टूटा, फिर बॉन्ड जो नया बना वो ए और सी के बीच में चला गया और बी और डी के बीच में, यानी यहां पर क्या हुआ, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आसान भाषा में एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। हम एक केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट पाते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो हम राइट साइड में पाते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें सिंबलाइजेशन में ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो सकता है रिएक्टेंट में। उस जहां हम इन सारी चीजों को नहीं बोलते हैं क्योंकि वहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट बन सकता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन मीन्स अ रिएक्शन और अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पे आते हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, अगर कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब वो केमिकल चेंज है। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है तो इसका मतलब ये एक फिजिकल चेंज है। यानी अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज माना जाएगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे एक पेपर है, हम पेपर को जला देते हैं तो पेपर राख बन जाता है, अब राख से हम वापस पेपर नहीं पा सकते तो ये केमिकल चेंज हो गया, लेकिन उसी पेपर को अगर हम टियर कर दें, फाड़ दें तो पेपर ही रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। तो ये बातें हुई हमारी केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हर एक रिएक्शन को हम लिखते समय उसको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कह रहा है कि जिंक सल्फाइड रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, तो हम वहां पर जब उसको सिंबल से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा। यानी अगर हमसे कोई कहे कार्बन
रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पर बस जानने की क्या चीजें जरूरी हैं, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इसको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये क्या हो गया, अब ये एक केमिकल रिएक्शन के साथ साथ उसका एक इक्वेशन हो गया। आगे वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे 10th क्लास के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। थैंक यू।